मुझे अपने अलावा किसी पे एतमाद नहीं। ये मेरी बेटी, देखो किस तरह से रिएक्ट कर रही, और ये वो है जो सब बेटियों से ज्यादा मेरे करीब थी। इसके खातिर मैंने शहर छोड़ा, घर बेचा, वही मुझे शर्मिंदा करने पे तुली हुई। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, अब शादी तो वैसे ही आपको शरई हक है, लेकिन लेकिन क्या, सलीम बहुत अच्छे इंसान, तुम लोग मेरे घर आन, कभी नहीं आऊंगी मैं आपके घर। चिल्लाओ मत, मेरी बात सुन, अब तो होना था हो गया। क्या माँ बेटी का रिश्ता खत्म हो जाए? तुम तो अपने घर वाली हो, तुमने क्या चार डाले मेरे? समझाओ इसको। तुमने तो हर चीज में मेरा साथ दिया ना, आ जाओ। आप कैसे हो बेटा हानिया? हो जाए, तुम कैसे हो बेटा? यही खैर, ये मेरी अम्मी के हस्बैंड है। और तुम्हारे अब्बू? चलो हानी में चलती हूँ। हाँ मैं और जोया कल ऑफिस के बाद आ जाएंगे। ठीक है, मैं पिक कर लूँगी। जोया तुम अपने कमरे में जाओ। अल्लाह हाफिज़। वापस हानिया, कौन है? अम्मी ये मेरी दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारी। फातिमा ये मेरी अम्मी है। क्या नाम लिया तुमने? फातिमा जी, फातिमा नाम है मेरा। और प्यारी तो आप भी बहुत है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। बिल्कुल हानिया जैसे हैं आप। मेरा मतलब है आप। चलो फातिमा तुम जाओ, अकेली हो, देर हो जाएगी। हाँ मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अरे नहीं बेटा, रुको तो सही। सॉरी आंटी, असल में देर हो रही है मुझे, फिर दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत प्यारी बच्ची है। तुम अपने अबू से मिली? जी मिल चुकी हूँ।